नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निस्वार्थ ज्ञान पर। आप सभी लोग जानते हैं कि 23 मई 2024 यानी कि वैशाख गुरुवार के दिन बुद्ध पूर्णिमा आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया हल्दी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह गुरुवार बुद्ध पूर्णिमा दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 23 मई 2024 यानी कि गुरुवार बुद्ध पूर्णिमा के दिन वैशाख पूर्णिमा, एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 23 मई 2024 यानी कि गुरुवार बुद्ध पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 23 मई 2024 यानी कि वैशाख गुरुवार बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस हल्दी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 23 मई 2024 यानी कि वैशाख गुरुवार बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हल्दी वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं, अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला उपाय गुरुवार बुद्ध पूर्णिमा दिन से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, बुद्ध पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इस बार की पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है, इस बार पूर्णिमा पर बहुत ही दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा इस दिन आपको मिलकर रहेगी। अगर आप यह हल्दी वाला जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, आपने यह उपाय पूर्णिमा के दिन पूरे दिन में किसी भी समय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया, तो देखिए, सबसे पहली बात कि इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ लेना नहीं है, आपको पिसी हुई हल्दी से यह उपाय करना है। दूसरी चीज की यह उपाय करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आपको अपने घर पर ही ये उपाय करना है।
अब देखिए श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं, तुलसी का कोई उपाय करते हैं, क्योंकि हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। और साथ ही साथ हल्दी के जितने भी उपाय आप गुरुवार के दिन करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में चमत्कार का काम करते हैं। आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को हल्दी हमेशा के लिए दूर कर देगी, क्योंकि हल्दी जो है ना ये सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है, और आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है, और नजर दोष से भी आप हमेशा बचे रहते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहला उपाय जो आपको पूर्णिमा के दिन करना है, वो कौन सा उपाय करना है जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये हल्दी से ही जुड़ा हुआ है, और इस उपाय को करने से अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अगर गुरु ग्रह कमजोर होगा तो वह मजबूत भी हो जाएगा। देखिए हमें हमारे जीवन में धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि ये सब कहां से मिलता है? एक तो हमारे गुरु ग्रह से मिलता है और एक शुक्र ग्रह से मिलता है। तो गुरु ग्रह यानी कि श्री हरि विष्णु का दिन और हल्दी गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, और गुरुवार के दिन बैसाख पूर्णिमा का पढ़ना यह अपने आप में बहुत उत्तम है। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा मौका आपको मिल रहा है कि बहुत ही लंबे टाइम बाद यह मौका आया है और बिल्कुल आपको इसे जाने नहीं देना है। अब करना क्या है आपको, देखिए आपको पिसी हुई चुटकी भर हल्दी लेनी है, और हल्दी डालकर है ना आप जिस जल से स्नान करते हैं, हल हल्दी डालकर आपको सबसे पहले तो इस दिन स्नान करना है, यानी कि गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु का दिन, हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है, और गुरुवार के दिन पूर्ण का पूर्णिमा का पढ़ना यह तो और भी उत्तम है। और चुटकी भर हल्दी डालकर अगर आपने इस दिन स्नान कर लिया तो आपके आसपास कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरेगी, आपको कभी नजर नहीं लगेगी, आपके पैसे को कभी नजर नहीं लगेगी, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी, जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है ना वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने इस दिन हल्दी के उपायों को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया, देखिए जब भी आप हल्दी डालकर स्नान करेंगे है ना, स्नान करते समय आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है, क्योंकि यहां पर आपको मां गंगा का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो ये एक उपाय है जो आपको सबसे पहले करना है पूर्णिमा के दिन। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपका धन तो बढ़ेगा ही, आपका भाग्य तो चमकेगा ही, आपको यहां पर श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य में जो नहीं भी लिखा हुआ है ना वह भी आपको श्री हरि विष्णु दे देंगे। करना क्या है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है और हल्दी को आपको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल लेना है ना, और इस हल्दी का तिलक आपको सबसे पहले तो श्री हरि विष्णु को करना है ना। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसी हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। घर में जितने भी सदस्य हैं ना, जितने भी पर्सन हैं, सभी को हल्दी का टीका जिसे बोलते हैं ना जरूर लगाना चाहिए। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपने श्री हरि विष्णु से कह दिया, जो भी उनसे प्रार्थना कर ली, वो श्री हरि विष्णु आपको दे देंगे। क्योंकि पूर्णिमा का दिन जो होता है ये तो मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित होता ही है, और पूर्णिमा इस बार गुरुवार के दिन है, तो क्या ही कहना है, मतलब इस दिन का तो बहुत बड़ा यह दिन हो गया है, बहुत ही दुर्लभ संयोग इस दिन है, तो जरूर करें यह छोटा सा उपाय। अब हल्दी से जुड़ा हुआ लास्ट उपाय आपको बताने जा रहे हैं, हल्दी वाला पानी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस उपाय को कैसे करना है। अब देखिए बहुत बार होता क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं है ना, हर प्रकार के लोग आते हैं। अब उनमें से बहुत सारे लोग तो होते हैं जो चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में बहुत आगे जाएं, बहुत पैसा कमाएं, बहुत रुपया कमाएं, कभी भी हमें किसी से आय स्वरूप उधार लेने की जरूरत ना पड़े। और कुछ लोग ऐसे भी हमारे घर में आते हैं जो हमारे बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते, जो नहीं सोचते कि हम हमारे जीवन में आगे जाएं है ना, जो नहीं चाहेंगे कि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। पैसा आपको मिले तो कहीं ना कहीं अगर उनकी सोच में ये चीज होती है ना, तो ये होता है नजर का प्रभाव है ना। तो ऐसी चीजें जब घर में आती हैं या नजर दोष अगर किसी व्यक्ति को लग जाए, घर को लग जाए, तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है।
तो इतना ज्यादा प्रभाव होता है नजर दोष का। अब हल्दी क्या है? ये आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है, वास्तु दोष को भी दूर करती है और नजर दोष दोष से भी आपको बचाती है। अब देखिए, आपके घर में अगर कहीं ना कहीं वास्तु दोष होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर घर में वास्तु दोष है तो धन से जुड़ी समस्याएं लगातार आपके जीवन में बढ़ती रहेंगी, पैसे की हानि बहुत होगी, धन बर्बाद आपका बहुत ज्यादा होगा, तो वास्तु दोष भी आपके घर से दूर हो जाता है। करना क्या है आपको? आपको यहां पर पिसी हुई थोड़ी सी हल्दी लेनी है और थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और थोड़ा सा लेना है गंगा जल। अगर गंगा जल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, शुद्ध जल लेंगे, उसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, पिसी हुई हल्दी। और फिर आपको क्या करना है, ये हल्दी वाला पानी तैयार हो गया। अब ये हल्दी वाला पानी आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है, मतलब जितने भी आपके घर में कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी सभी जगह पर आपको जाना है और इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। लेकिन इसका छिड़काव करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है। अगर आपको मंत्र याद नहीं भी रहता है तो आप श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी इस तरह से बोलकर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है ना? तो अपनी बालकनी में भी करेंगे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी जरूर करना है, क्योंकि मुख्य दरवाजे से ही आपके घर में हर प्रकार की चीज अंदर आती है। नेगेटिव एनर्जी भी आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में मुख्य द्वार से ही आती हैं। और आपको बता दें, बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं कि मुख्य द्वार का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय अगर आपने हमेशा किए और करते रहेंगे, अगर आप तो हमेशा के लिए आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर कर देंगे। मुख्य द्वार ऐसा समझ लीजिए कि आपकी किस्मत को बदल सकता है। अगर इससे जुड़े हुए उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव जरूर करना चाहिए। अगर गुरुवार के दिन पूर्णिमा पड़ जाए तो यह तो बहुत ही उत्तम होता है, और इस बार गुरुवार के दिन ही पूर्णिमा है, तो गुरुवार का दिन जो है यह श्री हरि विष्णु का है और हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। तो इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव करें अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर है, और हल्दी वाले पानी का छिड़काव भी आपको जरूर करना चाहिए। तो आपको बता दें, यह हल्दी वाला पानी आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेगा कि आप देखेंगे आपके जीवन की जो गरीबी आपके जीवन से हटने और दूर होने का नाम नहीं ले रही थी, आपके जीवन से बिल्कुल चली जाएगी, आपके आसपास भी नहीं भटकेगी और कभी भी आपको किसी भी एक व्यक्ति से ना पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो हल्दी वाले पानी का छिड़काव मुख्य द्वार पर जरूर करें और हल्दी वाले जल से स्नान जरूर करें, और हल्दी मिलाकर थोड़ा सा जल में हल्दी मिलाएं, और हल्दी मिलाकर तुलसी का पौधा अगर घर में है तो उसमें भी आप हल्दी वाला जल जरूर डालें। अगर ये तीन उपाय हल्दी के एक साथ कर लिए ना, तो आपका जो भाग्य है वो इस तरह से चमका देंगे। श्री हरि विष्णु के धन दौलत रुपया पैसा जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं ना, आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, तो बहुत ही उत्तम उपाय है पूर्णिमा का। आप सभी को ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में पूर्णिमा के बहुत ही सरल अचूक और ऐसे कोट के और ऐसे उपाय आपको बताए हैं जो रातों रात आपकी किस्मत को चमका देंगे। और श्री हरि विष्णु की कृपा अगर आपको मिल गई ना, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि श्री हरि विष्णु अपने भक्तों से जब प्रसन्न हो जाए ना, तो भक्त उनके धन संभाल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के आपका दिल से शुक्रिया। हर हर महादेव।